ओवर वॉलेट में सिविल डिटेक्शन को लेकर के परेशान हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवर वॉलेट की तरफ से अब न्यू रूल्स आप सभी के लिए प्रोवाइड किए गए हैं और आप देखेंगे जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स है सभी का आप सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपका अगर KYC वगैरह यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और सिविल डिटेक्शन के बारे में पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात है, और यहाँ पे जो आप सभी के लिए समय वगैरह रखा गया था वो समय अब यहाँ पे पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये भी अपडेट ऑलरेडी इनकी तरफ से दे दिया गया है। तो अगर आपकी KYC यहां पे रिजेक्ट हुई है तो आपको इस पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, ठीक है, ये आप याद रखिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अब लेटेस्ट यहां पे एक्सचेंज पे यहां पे क्या की जाएगी, लिस्टिंग की जाएगी, उसका भी अपडेट प्रोवाइड यहां पे कर दिया गया है। तो क्या क्या अपडेट निकल के आए हैं इस एप्लीकेशन में वो हम आपको बताएंगे, यानी ओवर वॉलेट में सारा कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं ओवर वॉलेट का जो सिविल डिटेक्शन था उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी और अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनकी रिगार्डिंग क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो एयरड्रॉप का यहाँ पे समय वगैरह रखा गया था कंप्लीट करने का, यानी एक तरीके से एलिजिबल क्राइटेरिया था उसको कंप्लीट करने का 31 मई यहाँ पे रखा गया था, उसको भी चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे न्यू रूल्स अब आप सभी के लिए लाए गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ये आपका चाहे यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम्स हो, ये वाला ये सबमिटेड का प्रॉब्लम्स हो, ये आपका सॉल्व हो ना हो, बाकी आप देखेंगे आपके ये रिजेक्ट वाला प्रॉब्लम्स हो, आपका ये सॉल्व हो ना हो, किस एक्सचेंज में जो आप सभी जानते हैं इस वाले एक्सचेंज में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए हैं इसके, और चाहे आपका ये वाला प्रॉब्लम्स हो ये भी आपका सॉल्व हुआ हो ना हुआ हो, और चाहे आपका ये वाला प्रॉब्लम्स हो, ये वाला आपका सॉल्व हुआ हो ना हुआ हो, सभी के रिगार्डिंग ये रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्या रूल्स हैं वो आप देखिए, शेड्यूल चेंज नोटिस, यानी पूरा का पूरा शेड्यूल ही चेंज कर दिया गया है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, द फ्लिपस्टर आयुष सिविल डायरेक्शन विल बी एंड वेंसडे, यहाँ पे कहा गया है कि जो सिविल डायरेक्शन हमने रखा गया था 31 का वो हम पहले ही यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ये शेड्यूल में यहाँ पे चेंज किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वेंसडे को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ये आप यहां पे देख सकते हैं अर्लियर देन शेड्यूल, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे अगर आप आएंगे, वी आर गोइंग टू हैव ए न्यू सिविल डिटेक्शन राउंड विथ ए न्यू सेंट्रलाइज इन जून। अब यहां पे कहा गया है कि हम क्या करेंगे, जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारी कंट्री हैं, जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान ही, उसमें भी बहुत सारे लोगों का क्या, सभी का यहां पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, न्यू सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ जा रहे हैं, जैसे अभी कौन सा एक्सचेंज था, ये वाला एक्सचेंज था, अब इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम न्यू सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाकर के KYC कराएंगे, ठीक है। जैसे इस पे यहाँ पे KYC कराया गया था तो इस पे जिनका हो गया वो हो गया, उनका कंप्लीट हो गया, उनका अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए यहाँ पे एक न्यू एक्सचेंज लाया जा रहा है, ये आप सभी को यहाँ पे जून में स्टार्ट किया जाएगा। अब जून में 2 दिन 4 दिन 6 दिन कब तक रखा जाएगा वो एक अलग चीज है, लेकिन ये जून में यहाँ पे शुरू किया जाएगा और जून में इसका KYC यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। और जैसे ही आप इसका कंप्लीट करेंगे KYC तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे सिविल डिटेक्शन जो रखा गया है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। अब ये एक्सचेंज कौन सा होगा, OKX होगा, बाइबिट होगा, बाइनेंस होगा, कौन सा एक्सचेंज होगा कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो एक्सचेंज यहां पे रखा गया था, ये वाला एक्सचेंज, ठीक है, ये एक्सचेंज ने काफी ज्यादा इनको फंड किया होगा तभी जाकर के इन्होंने ये एक्सचेंज रखा। आज इसकी जो कम्युनिटी है ना 1 मिलियन से ऊपर जा चुकी है, 1 मिलियन से ऊपर, 1 मिलियन यूजर इनको गेन करने में आप देखेंगे सालों लग जाते, लेकिन अभी इनका लगभग कुछ दिन में ही यहां पर हो गया 1 मिलियन यूजर, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, ये यहाँ पे आप न्यू ला रहे हैं एक्सचेंज, उसमें ये सिविल डिटेक्शन कराएंगे जिन लोगों का नहीं हुआ है। सो डोंट वरी इफ यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द करेंट फ्लिपस्टर सिविल डिटेक्शन, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, आपका प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको परेशान होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसा इनकी तरफ से यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इससे आप एक और अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे ये वाला एक्सचेंज है तो इस पे तो ये लिस्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि इनके साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। और मेरे हिसाब से पहले आप देखेंगे सबसे पहले इन्हीं एक्सचेंज पे किया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन्होंने आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी इनेबल हो जाएगा इन पे, ठीक है, इन पे ट्रेड हो जाएगा तो इनसे आप देखेंगे किसको,
ओवर वॉलेट को ही फायदा होगा। और दूसरा, यहाँ पे जो न्यू एक्सचेंज लाया जा रहा है उस पर भी आप देखेंगे, सबसे पहले उस पर ही लिस्ट किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा यहाँ पे अंदाजा कहता है, क्योंकि इन्होंने इनको एक तरीके से फंड किया है, तो ये सारा कुछ होना ही चाहिए। होना क्या चाहिए, ये करेंगे ऐसा, ठीक है, क्योंकि जो फंड करता है उसको आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देंगे ना कुछ चीजों में। तो यहाँ पे आप देखिए एक नया एक्सचेंज आ रहा है। अब नया एक्सचेंज कौन सा आ रहा है, हो सकता है कि OKX से ही करा लें, ऐसा मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, लेकिन नया एक्सचेंज है। अब ये जो नीचे यहाँ पे अपडेट्स वगैरह दिए गए हैं एयरड्रॉप के, ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने कहा था, आप सभी का क्वेश्चन आता है कि एयरड्रॉप मिलेगा कब, जैसे ही मेननेट लॉन्च होता है आप अपना एयरड्रॉप क्लेम कर पाएंगे, ऐसा इनकी तरफ से उस वीडियो में मैंने आपको जो यहाँ पे डिटेल दी गई थी वो आपको बताया था। तो यहाँ पे कहा गया है, पीएस इफ यू आर इन ए कंट्री सपोर्टेड बाई फ्लिपस्टर प्लीज ट्राई कंप्लीट बाई सिविल डेक्शन प्रोसेस। देखिए बहुत सारी कंट्री में ये सपोर्ट नहीं कर रही है, कौन सा ये एक्सचेंज सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसी को लेकर नोटिस दिया गया है। डेडलाइन टू वेरीफाई एलिजिबल फॉर द एयरड्रॉप, एवरीवन हु हैव कंप्लीट एंड विल कंप्लीट सिविल डेक्शन थ्रू फ्लिपस्टर बिफोर द डेडलाइन एलिजिबल फॉर द एयरड्रॉप। यहाँ पे दो नोटिस है, एक नोटिस क्या है कि जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो एयरड्रॉप के पात्र हैं, किसमें जो ये एक्सचेंज था इसमें अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप एयरड्रॉप के पात्र हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आगे कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। दूसरा उन लोगों के लिए है जिनका यहाँ पे कंट्री सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उनके लिए ये यहाँ पे आप देखेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया जो है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और ये न्यू एक्सचेंज लाया जा रहा है, ये इनकी तरफ से डिटेल प्रोवाइड की गई है। अब मैं आपको कुछ इमेज वगैरह जो यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर की गई हैं आपने वो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्या है, ठीक है। अगर ये आपका ऐसा आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो आपने KYC सबमिट किया हुआ और वो KYC आपका रिजेक्ट हुआ होगा या आपका सबमिटेड आ रहा होगा। अगर आपका सबमिटेड आ रहा है तो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, कंप्लीट सिविल डिटेक्शन योर सबमिटेड अंडर रिव्यू, यानी जो आपका यहाँ पे सबमिट आपने किया है वो अंडर रिव्यू है, तो आपको वेट करना है, आपका जैसे ही वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जिन लोगों का जिन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे अंडर रिव्यू आ रहा है उनका KYC या सबमिटेड आ रहा है उनका, ये है, ठीक है। आपका क्वेश्चन था कि इसका क्या है, आगे बढ़े तो ये वाला जो प्रॉब्लम्स जिनका है ना, ये देखिए इनका क्या है कि जिन्होंने सबमिट किया है KYC और उनका रिजेक्ट हो गया, सबमिट किया आपने रिजेक्ट हो गया KYC, तो आपका इसलिए आ रहा है यहाँ पे सिविल डिटेक्शन। तो मैं आपको बताऊँ आपको यहाँ पे एक क्या करना है, टिकट क्रिएट कर देना है, टिकट क्रिएट आप कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर टिकट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या करना, आप अपना जो ID कार्ड आपने KYC करते समय दिया था ना, वो KYC करते समय जो दिया था वो यहाँ पे लगा देना, दोनों के दोनों बैक फ्रंट दोनों लगा देना और अपनी प्रॉब्लम लिख देना। और ये जो स्क्रीनशॉट है ना उसका, क्या फ्लिपस्टर का, वो उसका एक स्क्रीनशॉट लगा देना कि मेरा KYC रिजेक्ट हुआ है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, टीम कंप्लीट कर देगी, कुछ ही घंटों में कर देती है, क्योंकि अभी आप देखेंगे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहा है, ठीक है, जिनका नहीं हो रहा है वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप सभी के इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप हमें बता सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी जो न्यू अपडेट्स आएंगे वो हम आपको प्रोवाइड करते रहे। फटाफट से आप टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।